बाप रे, ये सारे भेड़िए उस आदमी को तो मार ही देंगे। पता नहीं उस आदमी का क्या हुआ होगा। बच्चे, इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? अरे वो आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? वो असल में मैं मेरे कुत्ते को ढूंढ रहा था। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। सच सच बता, अगर तूने उसे देखा है तो। क्या हो रहा है यार? इतनी रात को जंगल में क्या करे? मैंने मना किया था। जाओ घर जाओ। पर वो इधर ही क्या है? इस लड़के ने उसे जरूर देखा होगा। अरे इतना तेज भागते हैं वो लोग, हो सकता है नहीं देखा हो। मेरे बेटे का दोस्त है वो, झूठ थोड़ी बोलेगा। चलो उधर देखते हैं। भैया, भैया उठो भैया, मदद कर मेरी मदद। आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, आप चिंता मत करो। बस दो गली छोड़ के मेरा घर आता है, मैं आपको मेरे घर में छुपा दूंगा। आपको वहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मैं अभी दीदी को बता नहीं सकता ना, इसलिए। लेकिन आप चिंता मत करो, आपको वहां कुछ नहीं होगा। आप वहां कुछ देर आराम से रह सकते हो। अब हम हवेली के रास्ते से गुजर रहे हैं। आपको पता है ये यहाँ की सबसे सुंदर जगह है, और सब लोग कहते हैं कि उसमें इस जगह की सबसे सुंदर लड़की रहती है, प्रीत मैडम। इंसान ना रात को सोता है और सुबह उठ के काम पे जाता है, और एक तू रात को तो अपनी हरकतों से मेरा खून चूसता है और दिन भर घोड़े बेच के सोता है। इसमें तेरी बदकिस्मती है कि लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, दोपहर में नहीं। आप परेशान मत हो, मैं स्कूल जाते वक्त मोहल्ले के सारे घरों में पेपर दे दूंगा। अरे अब किसी को तो पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा ना, वरना जो तो अखबार बेचता है ना उसमें लिखा हुआ आएगा, एक परिवार की एक साथ मौत, कारण गरीबी। चल उठ जा, तेरा दिमाग इतना उल्टा क्यों चलता है? मतलब घायल कुत्ते को तू घर पे लाता है और हट्टे कट्टे भेड़ को तुझे भेजना है?
अब तू देख, इसको मैं खिला पिलाकर भेड़ों की लड़ाई में ले जाऊंगी और फिर कितने पैसे कमाऊंगी, है ना? आज से ना तू इसे अपना भाई बना ले, वैसे भी अपने खाने के हिस्से से तो तुझे इसे देना ही है ना? ये बड़ी हवेली की गाड़ी यहां क्या कर रही है? फरीदा जी, ये पक्का कल रात हवेली में घुसने की वजह से मेरी शिकायत लगाने आए हैं। मम्मी, मैं कुछ भी कर लूं, मेरी तो हमेशा ही बैंड बजती है। पता नहीं दीदी क्या करने वाली है अब मेरे साथ। विवान, विवान, विवान!